सारे स्टेज तो टूट गई। अनुवाद हमारी एक वीडियो हमारी भी ले लेना। किस समस्या को लेकर आने अभी आपने? भैया हम सब जने बुंदेलखंड क्रांति दल के कार्यकर्ता हैं। बुंदेलखंड राज्य बने जो मांग लेके हम सब जने पहले तो गांधी जी के नेचे बैठे सत्याग्रह पे, फिर वहाँ से पैदल चल के आए डीएम साहब ना कि हम अपनों ज्ञापन डीएम साहब के माध्यम से प्रधानमंत्री तक पहुँचा दें कि प्रधानमंत्री जी बुंदेलखंड राज्य बनाओ, जाकि मांग बहुत पुरानी है। जब से देश आज़ाद भाव तब से जो मांग चली आ रही, पहले तो देश आज़ाद भाव तो बुंदेलखंड राज्य 12 मार्च 1948 को बनो, कामता प्रसाद सक्सेना मुख्यमंत्री बने, और फिर 1 नवंबर 1956 में बुंदेलखंड खत्म करके आधो उत्तर प्रदेश आतो मध्य प्रदेश में मिला दो। तो भैया हम जो मांग लेके आए कि बुंदेलखंड में बहुत गरीबी है, हमारे खेतन खां सिंचाई नहीं है, हमारे नौजवानन के लाने नौकरी नहीं है, हमारे बच्चन के लाने पढ़ाई के साधन नहीं है, हमारे सड़कें नहीं हैं, बुंदेलखंड के बहुत से जिला अब ऐसे हैं जहाँ रेल लाइनें नहीं हैं, पीवे खां पानी नहीं है, तो हम आखिर कैसे जी रहे? हम ही जान रहे कि देश की आज़ादी को लाभ हमें कब मिलो जब हमें सुविधाएं नहीं मिली, और सरकार कोनू की आ जाए बजरी लूटवे को काम सरकार के नेता करते हैं। तो बजरी लूटवे के लाने बुंदेलखंड अलग राज्य नहीं बना रहे। हमने जैसे अबे कही कि अगर राज्य बनावे को मानक अगर जनसंख्या होती तो बुंदेलखंड अपनी जनसंख्या के हिसाब से 19वें नंबर को राज्य बनतो, तो हमें का राज्य नहीं बनाओ? अगर जमीन मानक होवे तो हम पे 70,592 वर्ग किलोमीटर जमीन है, हम देश के 18वें नंबर के राज्य हैं, तो हमें राज्य तब काय नहीं बनाओ? आखिर जो हमें को बताए कि मानक राज्य बनावे को है का कि प्रधानमंत्री के मन में आई कि हमें जो राज्य बनाने तो बना दो? अरे कोनू मानक हुए ना कि या तो जनसंख्या मानक हुए, आबादी मानक हुए, और जो राज्य बनाए गए फजल अली आयोग के अनुसार, फजल अली आयोग 1953 में बनो तो 55 में उनने रिपोर्ट अपनी दी थी। फजल अली ने जो कही थी कि राज्य जोन बने वे भाषा के आधार पर बने, जैसे बात प्रांत के लोग आपस में अपनी एक दूसरे की भाषा समझ पाएँ व भाषा में बोलचाल कर पाएँ, काम हो पाए। सत्यन जी, संघ में मांग क्या है? हमारी मांग राज्य निर्माण है। राज्य निर्माण को लेकर ही हमने ज्ञापन दिया है कि हमारी मुख्य मांग है कि बुंदेलखंड राज्य बनाया जाए। तक बुंदेलखंड राज्य नहीं बनेगा, आपकी आगे रणनीति। हमारा आंदोलन लगातार, अभी हम कोरोना काल में हम जैसा मार्ग निर्देशन था वैसे हमने ज्यादा नहीं बड़े आंदोलन किए, लेकिन अब आंदोलन हमारे बढ़ेंगे। बुंदेलखंड राज्य जब तक नहीं बन जाए, आज भी अकेले झांसी में नहीं ज्ञापन है, आज चित्रकूट सतना अपन जो भी बुंदेलखंड है 14 जिले हैं, 14 के 14 जिलन में ज्ञापन दाओगाओ और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन कलेक्टर का देखें, जो मांग करी गई कि प्रधानमंत्री जी बुंदेलखंड राज्य बनाओ।